नए रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको बताया था कि फाइनल मैच के लिए आज राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला था। जो भी जीतने वाला था फाइनल में जाने वाला था, और आज राजस्थान फिर से हार गई और सनराइजर्स हैदराबाद फाइनल में जाके अब भिड़ेगी कोलकाता नाइट राइडर्स से। लेकिन दोस्तों, इस मैच में भी आज 9 बड़े बड़े रिकॉर्ड बने जो कि काफ़ी रोचक है, काफ़ी आश्चर्यकारी के। सबसे पहले रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक चेन्नई में आईपीएल के 8 प्लेऑफ मैचेस हुए हैं, जिसमें से 6 मैचेस जिन्होंने बैटिंग पहले की है वो मैचेस जीते हैं। मतलब 2 ही मैचेस चेस करते हुए यहाँ पर चेन्नई में जीते गए हैं इन द प्लेऑफ। अगले रिकॉर्ड की तो बात करें तो दोस्तों ये भी काफ़ी हैरानी वाला है, मोस्ट डिफेक्ट इन आईपीएल प्लेऑफ्स। सबसे ज़्यादा प्लेऑफ में डिफेक्ट करने वाली 10 बार आरसीबी है 16 मैचेस में, 26 मैचेस में 9 बार सीएसके है, 11 मैचेस में दिल्ली कैपिटल्स 9 बार है, 20 मैचेस में मुंबई इंडियंस 7 बार है, 16 मैचेस में सारे 7 बार है, 11 मैचेस में आरआर मतलब राजस्थान रॉयल्स 6 बार है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड था दोस्तों। इसके बाद अगले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ये तो उससे भी ज़्यादा मतलब शॉकिंग है, मोस्ट अपीयरेंस इन द आईपीएल फाइनल। आईपीएल के फाइनल में सबसे ज़्यादा बार पहुंचने वाली टीम की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने 10 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है और 5 बार आईपीएल जीतने में कामयाब रही है। इससे भी बड़ा रिकॉर्ड अगर देखें तो मुंबई इंडियंस के नाम है, इन्होंने 5-6 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचे हैं और 5 बार इसमें से जीत हासिल की है, जिसमें से रोहित शर्मा ने ही 5 बार जीता है। तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। केकेआर भी 4 बार, आरसीबी 3 बार और एसआरएच भी 3 बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई है। इसके बाद के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो कैप्टन विद द मोस्ट विकेट्स इन एन आईपीएल सीजन, एक आईपीएल सीजन में एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने के रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए है शेन वॉर्न ने। ऑफकोर्स आप सबको याद होगा पहले ही आईपीएल सीजन में उन्होंने 19 विकेटें ली थी और वो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे। इसके बाद अब नंबर 2 पर आ चुके हैं पैट कमिंस, हालांकि अभी भी एक मैच है उनके पास उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। पैट कमिंस ने अभी तक साल 2024 के इस आईपीएल में 17 विकेट्स ले ली है। उसके बाद अनिल कुंबले की उन्होंने बराबरी की है, अनिल कुंबले ने भी 2010 के आईपीएल में 17 विकेट्स लिए थे। तो वही रविचंद्रन अश्विन ने पीबीकेएस के लिए 2019 में 15 विकेट्स लिए थे। और शेन वॉर्न का नाम एक बार फिर से यहाँ पर आता है, साल 2009 में शेन वॉर्न ने 14 विकेट लिए थे। तो दोस्तों पैट कमिंस के पास अभी भी मौका है, अगर वो 2 या 3 विकेट ले लेते हैं, 2 विकेट लेते हैं तो शेन वॉर्न की बराबरी कर लेंगे नंबर 1 पर, और 3 विकेट अगर मिल जाते हैं तो वो उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे और फाइनल मैच में उनके पास ये बड़ा मौका है। अब बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की तो दोस्तों, बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर एसआरएच इन आईपीएल प्लेऑफ्स। एसआरएच के लिए आईपीएल प्लेऑफ में सबसे जबरदस्त गेंदबाजी की थी भुवनेश्वर कुमार ने साल 2016 में केकेआर के खिलाफ दिल्ली में 19 रन देकर 3 विकेटें ली थी। उसके बाद रशीद खान ने वर्सेस केकेआर कोलकाता 2018 में 19 रन देकर 3 विकेटें ली थी, उनकी मतलब भुवनेश्वर कुमार की उन्होंने बराबरी की थी। अब नंबर 2 पर नाम आ जाता है शाहबाज अहमद का, जिन्होंने आज इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए और 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और इससे पहले जेसन होल्डर का भी नाम यहाँ पर आ जाता है, 25 रन देकर 3 विकेटें वर्सेस आरसीबी अबूधाबी 2020 में। तो काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड शाहबाज अहमद के नाम हुआ है, नंबर 2 पर आ चुके हैं वो इस लिस्ट में। बात करें अगले रिकॉर्ड की अब तो यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट विकेट्स टू स्पिन इन एन इनिंग्स एंड इन आईपीएल 2024, मतलब आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा स्पिन एक इनिंग में विकेट लेने का अगर देखें तो सबसे बड़ा जीटी वर्सेस पीबीकेएस मुल्लापुर में 7 विकेट ली थी 13 ओवर में। उसके बाद 9 ओवर में 57 रन देकर 5 विकेट एसआरएच वर्सेस आरआर चेन्नई में, वही 10 ओवर में 125 रन देकर 5 विकेट डीसी वर्सेस एसआरएच, और 9 ओवर में 92 रन देकर 5 विकेट आरसीबी वर्सेस एसआरएच हैदराबाद में ऐसा कारनामा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आज का मुकाबला नंबर 2 पर आ चुका है। चलिए बात कर लेते हैं अगले रिकॉर्ड की जो और भी बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो
तो चौंक जाएंगे। शाहबाज अहमद बॉलिंग इन चेन्नई इन आईपीएल। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल में शाहबाज अहमद में चेन्नई की अगर बात करें तो 4 मैचेस में अभी तक उन्होंने गेंदबाजी की है, जिसमें से अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग की बात करें तो एक बार 2021 में मुंबई के खिलाफ 14 रन दिए थे, एक ओवर में कोई विकेट नहीं मिला था। तो वही 2024 में अभी कुछ ही दिनों पहले 3 ओवर किए थे, 33 रन दिए थे और वहां पर भी उनको विकेट नहीं मिला था। मतलब पहले इनिंग्स में इन्होंने जब भी चेन्नई में गेंदबाजी की इनको कोई विकेट नहीं मिला है और उनको मार पड़ी है वो अलग से। लेकिन यही अगर सेकंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पर बदल जाता है इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें 2021 में एसआरएच के खिलाफ उन्होंने 7 रन देकर 3 विकेट हासिल की थी सिर्फ 2 ओवर में। और आज भी बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सेकंड इनिंग में उनको गेंदबाजी मिली, 4 ओवर में 23 रन देकर उन्होंने यहाँ पर भी 3 विकेट हासिल किए। तो अगर मोस्टली अगर बात करें चेन्नई की तो शाहबाज अहमद सेकंड इनिंग में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित हो जाते हैं, जो कि काफी अलग मतलब स्टैट्स है। बात करते हैं अगले रिकॉर्ड की, तो ये है स्टैट्स है यशस्वी जायसवाल के बारे में। मतलब मुझे यहाँ पर रियान पराग के भी मिले थे, संजू सैमसन के भी स्टैट्स मिले थे, लेकिन मुझे इनके स्टैट्स ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग लगे। यशस्वी जायसवाल वर्सेस स्पिन इन आईपीएल 2024, अभी तक पहली बार आज आउट हुए हैं वो स्पिन के खिलाफ और 59 गेंदों में उन्होंने स्पिन के खिलाफ 101 रन बनाए हैं, 172 से भी ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा बढ़िया स्टैट्स लगा, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया है। वैसे संजू सैमसंग और रियान पराग भी दो दो बार आउट हो चुके हैं, इसलिए मैंने उनका स्टैट्स नहीं दिया। तो आई होप आपको सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, जानकारी जरूर पसंद आएगी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।